नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जहां अग्निपथ स्कीम के बाद देश में कोहराम मचा रखा है, जहां आम जनता को इससे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां ट्रेनें को जलाया जा रहा है, वहीं आपको हम बता दें विस्तार से कि जो लोग ये कर रहे हैं, वे सरकार ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ में भी हालात बेकाबू हो गए, उपद्रवियों ने 8 गाड़ियों को फूंक दिया है। वहीं एडीजी बोले छात्र छात्राओं को भड़काया जा रहा है। आपको बता दें कि जब से अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है, तभी से देश भर में इसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां बिहार में सबसे बुरे हाल हैं। बिहार में कई ट्रेनों को फूंक दिया गया है, इसमें मौत की भी पुष्टि हुई है। वहीं आपको बता दें बिहार में लगातार इसका प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आइए नजर डालते हैं अब उत्तर प्रदेश में इस अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो आग लगी है। अग्निपथ स्कीम अलीगढ़ में हालात बेकाबू, उपद्रवियों ने 8 गाड़ियों को फूंका, एडीजी बोले छात्रों को भड़काया जा रहा है। आपको बता दें 4 साल की अवधि के लिए लगभग 45-50 हज़ार युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। विभिन्न समूह इस योजना का अलग अलग तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। कहीं छात्र संघ के नेता सड़कों पर उतर आए हैं, तो कहीं ट्रेन में आग लगा दी गई है। यहाँ पढ़े अग्निपथ योजना खिलाफ चल रहे विरोध का पल पल आपको हम अपडेट जो बता रहे हैं हंगामा टाइम्स टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ में बवाल व अनियंत्रित हो चुके उपद्रव पर काबू पाने के लिए टप्पल पहुंचे एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण की गाड़ी को भी उपद्रवियों ने नहीं बख्शा। प्रदर्शनकारियों ने एडीजी राजीव कृष्ण की सरकारी कार का पिछला शीशा तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें पिलखुआ में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने शनिवार को सुबह 7 बजे टोल प्लाजा पर पहुंचने का आह्वान किया है। यह आह्वान ट्विटर फेसबुक ग्रुप के माध्यम से लगातार वायरल हो रहा है। इसके चलते टोल प्लाजा पर पुलिस ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने टोल प्लाजा पहुंचकर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की और वहीं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं कि टोल प्लाजा पर अभी से पीएसी भी तैनात कर दी गई है। वहीं आपको हम बता दें कि युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। अग्निपथ के बवाल को लेकर अलीगढ़ पलवल मार्ग अवरुद्ध हुआ है। पुलिस ने जाम में फंसे ट्रकों को सड़क पर तिरछा लगवा दिया। हंगामा टाइम्स।